अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। या दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमरा कंपैरिजन ओप्पो F7 और P20 Lite का। दोस्तों, ओप्पो F7 में आपको मिलता है फ्रंट पर 25 मेगापिक्सल का कैमरा और P20 Lite में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों, इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज और आपको कैमरा कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग और स्पीड टेस्ट आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप फील कर रहे होंगे P20 Lite में डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतर मिल रही है। अगर रियर साइड की कलर्स की बात करूं तो रियर साइड पे आपको ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं ये बहुत बेहतर लग रहे होंगे। मैंने आज पोजीशन चेंज की, मैंने कहा आपको ओप्पो F7 काफ़ी डिमांड थी मुझे। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड की ओप्पो F7 के कैमरा रिव्यू की P20 Lite के साथ। सो आज मैं आपके लिए आपकी ऑन डिमांड ये कैमरा रिव्यू लेके आया हूँ। आप थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो आप स्टेबलाइजेशन थोड़ा तेज चल के दिखाऊंगा कि स्टेबलाइजेशन किसमें बेहतर मिलती है। दोनों में तकरीबन एक जैसी मिलती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपको इमेज स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। मैं आउटडोर लाइट पर इसलिए करता हूँ रिव्यू, ताकि आपको कन्फर्म हो सके कि आप अगर कहीं बाहर हैं, हाइकिंग पे हैं या कहीं घूमने फिरने गए हैं, तो आपको कैमरा रेजोल्यूशन क्या मिलता है क्या नहीं। अब चलते हैं नाइट मोड के कैमरा की तरफ, तो आपको नाइट मोड में बताएंगे कि नाइट मोड में दोनों में आपको फ्रंट कैमरा क्या रेजोल्यूशन देता है क्या नहीं। सो मेरे साथ रहिएगा, लाइट्स ऑफ। जी हाँ दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ओप्पो F7 के फ्रंट कैमरा से और P20 Lite के फ्रंट कैमरा से। ये चिड़िया है, मेरा इंतज़ार करती है कि कब भाई आए और कब मैं इनके कंपैरिजन पे चेक हूँ। सो गुड वन। बात करते हैं कैमरे की, तो दोनों के अंदर अपर्चर आपको देखने को मिलता है 2.0, लेकिन बात करूँ कलर्स की तो इस टाइम दोनों में फ्लैश लाइट नहीं मिलती फ्रंट साइड पर, नाइट मोड है आपको। कलर सेचुरेशन की बात करूं तो P20 Lite में आपको कलर सेचुरेशन बेहतर मिल रहे हैं ओप्पो F7 से। मैं थोड़ा सा आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा दूंगा, लेकिन आपको बैक साइड के कलर्स की बात करूंगा तो आप बैक साइड पे देखेंगे कि मेरे बैक साइड पे ग्रीन है, तो आपको P20 Lite में क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो थोड़ा सा तेज चल के दिखाऊंगा कि आपको दोनों में से किसकी स्टेबलाइजेशन बेहतर मिलती है किसकी नहीं। जी हाँ दोस्तों, P20 Lite में मुझे कुछ बेहतर नज़र आ रही है। अब जैसे मैं डार्क में आया हूँ, लेकिन P20 Lite में डायनामिक रेंज अभी भी वहीं पर है मेरे चेहरे पर, आपको काफ़ी हद तक चेहरा क्लियर नज़र आ रहा होगा, और ओप्पो F7 में हो गया काला। दोस्तों, दोनों ही तकरीबन एक ही बजट रेंज में आते हैं। ओप्पो F7 की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद ज़रा नहीं आई, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास दी ओप्पो ने, प्लास्टिक केस। और P20 Lite की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं रियर कैमरे की, तो रियर कैमरा में मैं आपको पहले क्लिप दूंगा फ्लैशलाइट ऑन करके, उसके बाद करेंगे फ्लैशलाइट को ऑफ, फिर चलेंगे एंड की तरफ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह के रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं रियर कैमरा की तरफ। या दोस्तों, आप रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओप्पो F7 के और P20 Lite के। P20 Lite के रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, एक होता है 16 मेगापिक्सल का और एक होता है 2 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए होता है, पोर्ट्रेट मोड के लिए होता है, वाइड अपर्चर के लिए होता है, और ओप्पो F7 में आपको दिखने को मिलता है एक ही कैमरा। या दोस्तों, ये 16 मेगापिक्सल कैमरा होता है, दोनों में अपर्चर आपको 2.0 देखने को मिलता है। आप एंगल की बात कर रहे होंगे तो एंगल में आपको नज़र आ रहा होगा कलर दोनों में क्या दे रहा है। मैंने रियर साइड का कैमरा अपनी तरफ किया हुआ है, मुझे इस टाइम कलर नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता दूँगा बेहतर किसमें किसमें नहीं। इन द एंड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा किसमें कलर बेहतर मिलते हैं किसमें नहीं। अब थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की बात करूंगा तो स्टेबलाइजेशन आपको तेज चल के दिखाऊंगा कि दोनों में क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है। दोनों में ही तकरीबन एक जैसी स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको इन दोनों में आपको ना तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना ही आपको इमेज स्टेबलाइजेशन कोई देखने को मिलती है। प्राइस की बात करेंगे तो ओप्पो F7 आपको मिलता है 40,000 रुपये की प्राइस में, 4GB 64GB का वेरिएंट, और P20 Lite आपको मिलता है 36,000 रुपये का। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे P20 Lite की बेहतर लगी, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लिंक मैं आई कार्ड में डाल देता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको लेके आऊँगा वर्टिकल शेप से हॉरिजॉन्टल शेप में। अब आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा आइकन चेंज हो गए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं पिक्चर्स की तरफ, आपको अब चलते हैं रियर कैमरा की तरफ, नाइट मोड में आपको लेके चलेंगे, फिर चलेंगे एंड की तरफ। सो लाइट्स ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरा ओप्पो F7 के और P20 Lite से। दोनों के रियर पे आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1080p पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे चेहरे पर क्या फोकस मिल रहा है क्या नहीं। अब मैं थोड़ा सा साइड पे दोनों को करूँगा
कि ताकि आपको लाइट का अंदाज़ा हो सके। एक की लाइट थोड़ी सी ऑफ़ करूँगा मैं। जी हाँ दोस्तों, P20 लाइट की लाइट जल रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा क्या इसमें लाइट मिलती है क्या नहीं। अब करते हैं ओप्पो F7 की लाइट को प्रोमिनेंट। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो F7 में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टाइम मेरे चेहरे पर क्या लाइट मिल रही है क्या नहीं। स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों को ही मैं साथ लेके आपको चल के दिखाऊंगा कि स्टेबलाइजेशन दोनों में क्या मिलती है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे अगर आप बात करें कि लीव्स की, तो आपको स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे क्या स्टेबलाइजेशन इस पर मुझे इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा। रियर कैमरा है, स्टेबलाइजेशन दोनों में, वैसे तो इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती। दोनों एक ही बजट रेंज में आ रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर, आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्लैश लाइट ऑफ़ करके, तो चलते हैं फ्लैश लाइट ऑफ़ करके। जी हाँ दोस्तों, हमने कर दी है लाइट्स ऑफ़। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दोनों के अंदर डायनामिक रेंज आपको क्या मिलती है क्या नहीं। मैं थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में लेके जाऊंगा, स्ट्रीट लाइट के बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब स्टेबलाइजेशन भी आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगी लाइट में। अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की और प्राइस की, तो प्रोसेसर वाइज कुछ बेहतर मिला ओप्पो, लेकिन मीडिया टेक का अगर हीलो P60 को बेहतर कंपेरिजन करें 659 के साथ, तो थोड़ा सा बैलेंस है, पावर एफिशिएंट ज़्यादा है। ऑल ओवर कैमरा की बात करें तो कैमरा मुझे P20 लाइट का काफ़ी बेहतर लगा ओप्पो F7 से। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ओप्पो इस बजट रेंज में इस तरह के नॉर्मल कैमरा फ़ोन देगा, लेकिन भाई माया की ज़िंदगी है, माया के पीछे भागते हैं। खैर बात करते हैं कैमरा की, तो आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो रहा होगा, स्टेबलाइजेशन किसमें बेहतर मिल रही है। मुझे ये फ्लैश लाइट ऑफ करके बना रहा हूँ, 1080p पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे इन कमेंट सेशन बताइएगा कि आपको दोनों में से किसका कैमरा बेहतर लगता है किसका नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सेल्फ़ी की, तो ये सिंपल सेल्फी नाइट मोड में ली गई है। आपको ओप्पो में काफ़ी कस्टमाइजेशन नज़र आ रहा होगा, लेकिन डायनामिक रेंज की बात करेंगे तो P20 लाइट में आपको डायनामिक रेंज बहुत बेहतर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F7। दोनों में ही आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है नॉच वाला, ओप्पो F7 मिलता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा, और P20 लाइट में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा। अब ये पिक्चर मैंने ली है बुके इफेक्ट में, P20 लाइट काफ़ी कम ब्लर कर रहा है बैक साइड को बुके इफेक्ट में, लेकिन अगर ओप्पो F7 की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉर्म्स कलर मिले, कलर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं मिल रहा, डायनामिक रेंज प्रॉपर नहीं मिल रही, और नॉइस नज़र आ रहा है हर पोर्शन में। अगर आप रियर साइड की बात करें, मेरे बैक साइड पर बात करेंगे तो तब भी आपको नॉइस नज़र आएगा, और फ्रंट साइड पर भी बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आता है। फ्रंट कैमरे में P20 लाइट नाइट मोड में बेटर होगा ओप्पो F7 से। अब ये पिक्चर मैंने ली है नॉर्मल मोड में P20 लाइट और ओप्पो F7 से। इसके अंदर अगर मैं बात करूं डायनामिक रेंज की और कलर कम्बिनेशन की, तो मुझे थोड़ा सा नॉइस फील होगा ओप्पो F7 में, लेकिन ऑल ओवर इन दोनों पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो दोनों ने बैलेंस ही काम किया। अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो ये पिक्चर मैंने ली है पोर्ट्रेट मोड में, जैसा कि इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये ओप्पो F7 से मैंने ली है पिक्चर पोर्ट्रेट में। इसके अंदर आपको बैक साइड ब्लर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट में थोड़े से कलर आपको डल नज़र आ रहे हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा नज़र आ रही है, कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं P20 लाइट की पिक्चर की, तो P20 लाइट की पिक्चर मैंने कैप्चर की है सेम ही कंडीशन में, वाइड एंगल व्यू होता है इसके बैक साइड पर, वाइड एंगल होता है, उसके अंदर मुझे नाइट मोड में बड़ा बेहतर ब्लर मिला, लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाया, आर्टिफिशियल लाइट कंडीशंस हैं इसके अंदर। प्रॉपर अगर देखा जाए तो P20 लाइट ने कदरे बेहतर काम किया ओप्पो F7 से। अब बात करते हैं अपनी अगली पिक्चर की, तो अगली पिक्चर मैं आपको लेके चलूँगा डे लाइट्स में। डे लाइट में मैंने पिक्चर कैप्चर की है सिंपल मोड में, इसके अंदर मुझे ओप्पो F7 में डायनामिक रेंज थोड़ी सी कम नज़र आई है, एजेस क्लियर नज़र नहीं आ रहे एज़ कम्पेयर टू P20 लाइट में आपको कलर्स भी बैलेंस मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के अगर कैमरा की बात की जाए तो थोड़ा बहुत बैलेंस है। ओप्पो दावा करता है अच्छे कैमराज का, तो ये मैं आपको पिक्चर बताऊँगा, ये मैंने ली है पोर्ट्रेट मोड में। ओप्पो में मुझे एज़ यूजुअली जो नाइट मोड में मिला, वैसे ही मुझे डे लाइट में भी वार्म्स कलर मिले, पोर्ट्रेट नज़र नहीं आया दोनों ही फ़ोन में ऑब्जेक्ट में। अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो अगली पिक्चर में ये मैंने पिक्चर ली है पोर्ट्रेट मोड में सेम ओप्पो में, बैक साइड तो ब्लर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चेहरे पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, खासकर आप मेरी बीड में देखेंगे और हेयर्स में देखेंगे मेरे, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू P20 लाइट, लेकिन P20 लाइट में बैक साइड ब्लर नज़र नहीं आया फ्रंट कैमरा से, काफ़ी बैलेंस कैमरा फ़ोन है P20 लाइट का। बात करते हैं रियर कैमरा की, तो ये सिंपल मोड में पिक्चर ली गई है, इसमें P20 लाइट ने कलर्स बहुत ब्राइटर दिए, इसमें नॉइस नज़र आ रहा है P20 लाइट में। ओप्पो F7 में थोड़े से आपको नेचुरल कलर देखने को मिल रहे हैं बैक साइड के ग्रास के
और बैक साइड के ऑल ओवर बैकग्राउंड के। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड के रियर कैमरे की, तो पोर्ट्रेट मोड में दोनों में ही ब्लर आपको प्रॉपर मिला, लेकिन एंगल का फ़र्क ये नज़र आएगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वाइड कर देता है। P20 लाइट सेम ही पोजीशन से ये पिक्चर ली गई है, ब्लर दोनों साइड पे मिलता है, पोर्ट्रेट में दोनों ही रियर साइड पर डे टाइम में प्रॉपर काम कर रहे हैं। हालांकि आपको P20 लाइट में 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है पोर्ट्रेट मोड यूज़ करने के लिए, लेकिन ओप्पो F7 ने भी रियर कैमरा में डे लाइट में पोर्ट्रेट में किसी से कम नहीं दिखाया अपने आपको। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट फोकस की, तो ये मैंने पिक्चर ली है ओप्पो F7 से। ओप्पो F7 में मुझे पोर्ट्रेट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत बेहतर लगा, क्योंकि इसके अंदर एजेस क्लियर नज़र आए। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो अब थोड़ा से एजेस का हमें क्लियर होंगे कि एजेस क्या मिलते हैं क्या नहीं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस किया इसने, बैक साइड ब्लर किया, नॉइस बहुत कम नज़र आया। अब बात करते हैं P20 लाइट की पिक्चर की, तो P20 लाइट भी ब्लर प्रॉपर कर पा रहा है ऑब्जेक्ट को फोकस करके, लेकिन जितना ओप्पो F7 ने ब्लर किया, ओप्पो F7 में आप बाद में भी पिक्चर कैप्चरिंग के बाद भी उसको ब्लर कर सकते हैं। P20 लाइट के अगर जूम करके पिक्चर की बात करूँगा, तो इस पिक्चर के अंदर भी आपको एजेस बड़े क्लियर मिलेंगे, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिलेगी, कलर रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलेगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो P20 लाइट का कैमरा मुझे ओप्पो F7 से बहुत बेहतर लगा, बिल्ड क्वालिटी बेहतर लगी। सो मेरे व्यूज़ यही होंगे कि मैं अगर बाय करूँगा तो P20 लाइट ही बाय करूँगा, और अगर आपको मैं रेफर करूँगा तो P20 लाइट ही बाय करने के लिए रेफर करूँगा। सो ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।